गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग मस्त है ना? ठीक है, अब तक हम लोगों ने चार पार्ट का अध्ययन किया है। आज हम लोग पांचवा अध्याय पद्य घर प्यारा। आप सभी लोगों से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं। आप सभी लोग कहां पर रहते हैं? घर में रहते हैं ना। घर में कौन कौन रहते हैं? दादा, नानी, चाचा, चाची, भाई, बहन, माता, पिता, ये सब रहते हैं ना। इन सभी को मिलाकर हम लोग इसे परिवार कहते हैं, है ना। घर में हम ये सब देखते हैं। इसके अलावा हम और भी सोचते हैं कि ये घर हमारा है, यानी अगर हर किसी का इच्छा होता है कि अपना एक घर हो, खुद का घर हो, जिस घर में हम लोग रहते हैं वो घर अपना है। इस पद में भी कवि देविक रमेश घर के बारे में बताया है। एक पद लिखा है घर प्यारा। इस घर प्यारा में, प्यारा पद में कवि देविक रमेश ने बताया है कि जहां पर हम लोग रहते हैं, हमेशा हम लोग कहते रहते हैं कि ये घर मेरा है, ये घर हमारा है, मगर हम हमेशा यह भूल जाते हैं कि हमारे घर के अलावा, घर में हमारे अलावा और कई सारे जीव जंतु या प्राणी भी रहते हैं, है ना। तो इसी का वर्णन करते हुए, यानी विश्व में अगर हम जीवन बसर करना है तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है कि वसुधैवम कुटुंबकम। इसका अर्थ यह होता है कि इस दुनिया को अगर घर मान लिया जाए तो इस पूरे विश्व में रहने वाले प्राणी, पशु, पक्षी, जलचर, मनुष्य, दानव, सभी जो कुछ भी है वो सभी हम लोगों को मिलजुल कर रहना है। यही हमारे पूर्वजों ने बताया है कि वसुधैवम कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व को हम एक कुटुंब की तरह देखना चाहिए, ना बल्कि ये मेरा घर, ये तुम्हारा घर, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को, हमारे पास जो कुछ भी है, हम लोग उसे मिलजुल कर, बांट कर, समझ कर, हम सभी लोग मिलजुल कर रहने का संदेश इस कविता द्वारा देविक रमेश देते हैं। यानी इस कविता के लेखक का या कवि का इच्छा है कि जो घर में रहते हैं वो सिर्फ उस घर में रहने वाले व्यक्तियों का घर नहीं है, इसके अलावा उस घर में कई सारे जीव जंतु भी वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस भावना का उजागर करते हुए वो इस पद को यहाँ पर लिखा है। यानी एक बालक के द्वारा, बालक अपने माता के साथ चर्चा करता है कि ये घर हमारा है, तुम कहती हो ये घर सिर्फ हमारा है, मगर वो बच्चा उसको उसकी माँ के साथ चर्चा करता है। कैसे चर्चा करता है? इस पद में वो बहुत ही सुंदर तरीके से हमें वर्णन किया है रमेश, इस कविता के कवि रमेश जी ने। देखिए इस कविता, आप पेज नंबर 36 आप सभी लोग खोल दीजिए। देखिए यहाँ पर सुंदर सा दृश्य भी आपको दिखाई दे रहा है। एक बच्चा है, बच्चा अपने माँ के साथ बैठा हुआ है, चिपकली है ना, और चूहे हैं, काकरोच है, चिड़िया है ना, ये सभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना। इस सुंदर सी दृश्य में हम लोग देख रहे हैं। तो इस कविता द्वारा कवि यह कहना चाहता है, सिर्फ मनुष्य का ही घर नहीं होता, जो घर हमारा रहता है वो सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, इस घर में
और भी जीव जंतु यहाँ पर वास करते हैं, ये भी घर उसी का है, उन्हीं का है, कहकर यहाँ पर संदेश देता है। मैं पहले इस पूरे पद का आदर्श वाचन करता हूं, आप लोग सभी लोग ध्यान से अपने उंगली उस लाइन पर रखिए, जिस लाइन को मैं पढ़ता हूं उस लाइन के ऊपर अपना उंगली रखकर उसे ध्यान से देखिए। घर प्यारा, पांचवा पद, पद नंबर पांचवा, घर प्यारा। सदा यही तो कहती हो मां, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन मां कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को देखो, और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहां चीटियां दौड़ जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। और यह देखो काक्रोच भी दिन रात क्या नहीं क्या नहीं क्या यहीं ना रहते, क्यों रहते ये इस घर में जो इसे न अपना घर समझते। इसलिए तो कहता हूं मां घर न समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है यह घर प्यारा। तो इस कविता में आपने देखा, इसे हम लोग सीरियल वाइज से या तरीके वाइज से हम लोग इसे पढ़ना चाहिए। देखिए अब इस पद का हर एक वाक्य का विवरण हम लोग देखेंगे। सदा यही तो कहती हो मां, यानी यहां पर इस चित्र में आप सभी लोग देख रहे हैं एक बच्चा है, उसके साथ एक मां है। वो मां अपने बच्चे से बातें कर रही है या चर्चा कर रही है। सदा यही कहती हो मां, मां को वो कहता बच्चा, मां तुम हमेशा यही कहती है कि घर यह सिर्फ हमारा अपना, ये जो घर हम वास कर रहे हैं ये सिर्फ हमारा घर है, ये घर और किसी का नहीं है। लेकिन मां कैसे मैं मानूं, आप जो कह रही है इस बात को मैं किस तरह से मानूं, ये घर हमारा है, मेरा मन ये नहीं मानता कि सिर्फ ये मन हमारा है। घर तो यह कितनों का अपना, ये सिर्फ जहां पर हम लोग रह रहे हैं ये सिर्फ अपना घर नहीं है, इस घर में और भी लोग यहां पर जीवन निभा रहे हैं या इस घर में रहते हैं, वो उनका भी घर है। तुम कैसे कहती हो मां, आप सभी लोग चर्चा करते हैं ना, जब भी कुछ विषय के बारे में हमें तसल्ली नहीं मिलती तब हम लोग अपने मां के पास जाकर उस विषय के बारे में चर्चा या वाद विवाद करते हैं। उसी तरह यह बच्चा भी कहता है कि मां तुम सदैव कहती हो कि ये घर सिर्फ हमारा है, तुम ऐसे कैसे कहती हो, मैं इसे बिल्कुल ही नहीं मानूंगा, ये घर तो और भी कितनों का है, और भी यहां पर रहने वाले लोग और भी है, और भी कई सारे जीव जंतु जानवर यहां पर रहते हैं, तुम कहती हो कि सिर्फ ये घर हमारा है, ये मैं कैसे मान लूं मां, ये प्रश्न अपने मां से वो बच्चा पूछता है। आगे देखिए क्या होता है। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। तो इसके अलावा इस घर में मैं तुम पापा और नाना नानी दादा दादी चाचा चाची, इसके अलावा भी इस घर में देखो मां
ये जो चूहे हैं, आप लोग चूहे देखते हैं ना? हाँ, आप सभी लोग देखते होंगे। आजकल जो कोविड-19 के वजह से जो घर में बैठे हुए बच्चे हैं, वो सभी लोग कार्टून देखते हैं। उसमें चूहे और बिल्ली का पकड़म पकड़ाई वहां पर आपने कार्टून में देखा होगा, है ना? उसी तरह देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ाई। तो वो अपनी माँ से कहता है, वो देखो माँ, चूहे यहां से वहां, यहां से वहां, वहां से यहां दौड़ रहे हैं, मानो कैसे वो किसी के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। पकड़म पकड़ाई यानी हम लोग छुपते हैं और कोई हमें पकड़ता है ना, उसे हम लोग पकड़म पकड़ाई कहते हैं। हम लोग खेलते हैं ना घर में, आप सभी लोग पार्क में जाकर जब खेलते हैं ना, ये सभी पकड़म पकड़ाई। उसी तरह यहाँ पर देखो, वहां पर चूहे यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूम फिर रहे हैं। लगता है ये चूहे यहाँ पर पकड़म पकड़ाई खेल खेल रहे हैं। कैसे मच्छर टहल रहे हैं, आप घर में देखते हैं ना, कई सारे मच्छर आपको देखने के मिलते हैं। वो बहुत ही तेजी से काटते हैं और उसके काटने पर हमें बहुत सारा दर्द होता है ना? वो भी हमारे घर में इधर से उधर क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। टहलने का अर्थ क्या है? टहलने का अर्थ है धीरे धीरे चलना। आवाज करती हुई वो मच्छर क्या करते हैं, ज्विंग करके क्या करते हैं, इधर से उधर टहलते हैं। कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी, मकड़ी मकड़ी के जाल आपने देखा है ना? मकड़ी का अर्थ क्या है? स्पाइडर। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मकड़ी को? स्पाइडर कहते हैं। आप सभी लोग मकड़ी के जाल को देखे होंगे, वो घर के दीवार के कोने में इधर से उधर, उधर से इधर लगे होते हैं ना, आप सभी लोग देखे हैं। उस मकड़ी की जाल कितने अच्छे से सुंदर सा बनाया जाता है ना वो मकड़ी। तो ये मकड़ी भी मस्त इस कोले के एक कोले में क्या हुए, मस्त से पड़ी हुई है। तो तुम कैसे कहती हो माँ, ये सिर्फ घर हमारा है, इस घर में तो चूहे यहां से यहाँ, यहां से वहां, वहां से यहाँ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और मच्छर यहाँ टहल रहे हैं और मकड़ी क्या कर रहे हैं, मस्त से पड़ी हुई है ये कोने में, ये भी इस घर में रहते हैं, तो तुम कैसे ये घर हमारा है कहकर कह रही हो, कहकर वो कहता पूछता है। और देखिए आगे, और छिपकली को तो देखो। छिपकली, छिपकली का अर्थ क्या है बच्चों? लिजार्ड। आप सभी लोगों ने देखा है ना, दीवार पर इधर से उधर, उधर से इधर वो टहलती रहती है, घूमती रहती है ना? और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती। छिपकली क्या करती है? गश्त। गश्त का अर्थ क्या है बच्चों? चक्कर लगाना। जो छिपकली घर में दीवार पर रहती है ना, वो क्या करता है, वहीं पर चक्कर लगाता रहता है, गश्त लगाता रहता है। अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ जाती। और हम घर में और भी देखते हैं, और क्या देखते हैं, चींटियों की लाइन, कतार। कतार का अर्थ क्या है? लाइन। चींटी जब भी कहीं से भी निकलते हैं तो क्या करते हैं, एक सीधी लाइन पे जाती है। वो बहुत ही डिसिप्लिन प्राणी है ना? उसी तरह ये बच्चा पूछता है, अरे माँ देखो, छिपकली तो यहाँ पर गश्त लगा रहा है हमारे घर में, और तुम कहती हो ये घर सिर्फ हमारा है। इसके अलावा देखो वहां पर, उस वहां पर दीवार पर कैसे चींटियों की कतारें लिए दौड़ी आ रही हैं, कतार में वो दौड़कर आ रही हैं। उसे ध्यान से देखो माँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक देखो। तुम कहती हो ये घर सिर्फ हमारा है, मैं इस बात को कैसे मानो। इस घर में क्या क्या देखने को मिलते हैं, चूहे मिलते हैं और मच्छर मिलते हैं और मकड़ी मिलती है, और क्या मिला, छिपकली मिली, और चींटियां भी हमें देखने को मिलते हैं। और तुम कहती हो कि ये घर सिर्फ हमारा है, ये मैं कैसे मान लूं। ऐसे वो अपने माँ से
प्रश्न पूछता है। और इधर आंगन में देखो, मामा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आकर इस आंगन में देखो। आंगन यानी घर के बरामदे, बरामदे में जो खुली जगह रहती है उसे आंगन कहते हैं। आओ आओ माँ, यहाँ पर आके इस बरामदे में देखो या उस खुली आंगन में देखो, पंछी कैसे झपट रहे हैं, पंछी कैसे झपट रहे हैं। देखिए इस चित्र में उन्होंने दिया है जो दो चिड़िया क्या कर रहे हैं, आपस में झपट रहे हैं। झपट यानी झगड़ रहे हैं, उन्हें उनके एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। तो झपट का अर्थ क्या है, झगड़ा करना, झपट होना। तो इधर आंगन में देखो, दो पंछी हैं, वो आपस में भिड़ गए हैं, वो आपस में झपट रहे हैं। बिल्कुल मैं और दीदी किसी बात के लिए किस तरह से लड़ते हैं ना, उसी तरह ये पंछी भी मानो किसी विषय के ऊपर वो दोनों झगड़ रहे हैं। और यह देखो काकरोच भी, और यहां पर देखो माँ, यहां पर इस कोने से काकरोच छुपके से जा रहा है। और यह देखो काकरोच भी, दिन रात क्या यही न रहते, दिन रात क्या यही न रहते। और देखो माँ, यहाँ पर काकरोच भी दिन रात क्या यही न रहते, क्यों रहते ये इस घर में, ये सभी हमारे घर में क्यों रहते हैं, इसे न अपना घर समझते। इसे अगर वो इसे अपना घर न समझते हैं तो ये सभी इस घर में क्या कर रहे हैं, इस घर में क्यों रहते हैं। तुम कहती हो ये घर सिर्फ अपना है, तो यह बच्चा अपने माँ से चर्चा करते हुए देखता है कि बताता है कि अरे माँ, तुम कहती हो कि यह घर सिर्फ हमारा है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस घर में हम लोगों को देखने को मिलते हैं चूहे, देखने को मिलते हैं और मच्छर देखने को मिलते हैं और मकड़ी देखने को मिलते हैं, छिपकली मिलते हैं और चींटे मिलती हैं, है ना, पंछियाँ यहाँ पर झगड़ते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर दिन रात यहाँ यहीं पर रहने वाले काकरोच हमें दिखाई देते हैं। और क्यों रहते हैं ये इस घर में जो इसे ना अपना घर समझते, ये सभी लोग इस घर में क्यों रहते हैं अगर यह घर वो अपना नहीं समझते हैं तो। इसलिए तो कहता हूं माँ, इसलिए मैं कहता हूं माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, इस घर को सिर्फ तुम हमारा मत समझो, हमारा ना समझो, सदा सदा से जो भी है, जो भी रहता सबकी है यह घर, यह सबकी है घर यह प्यार प्यारा। तो वो बच्चा बोलता है इसलिए तो कहता हूं माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी है, जो भी रहता सबकी है घर यह प्यारा। तो अपनी माँ से वो वाद विवाद करता है कि अरे माँ, तुम सिर्फ यह घर सिर्फ हमारा मत कहना, इस घर में जो सदा से रह रहे हैं ये घर सभी का है। तो इस कविता के द्वारे हम लोगों ने इसमें देखा कि जो बच्चा है वो अपने विशाल दृष्टिकोण को यहाँ पर दिखलाता है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि ये जो घर रहता है हमारा और तुम्हारा, ऐसे आपस में बिना झगड़ा किए हुए हम लोग पूरे विश्व को अपना घर माने तो हम सभी लोग प्यार से यहाँ पर रह सकते हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि इसलिए वो अपने माँ से कहता है, तुम कहती हो कि यह घर सिर्फ हमारा है, मगर यह सिर्फ घर हमारा नहीं है, इस घर में तो हमें देखने को कई सारे जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्राणी यहाँ पर मिलते हैं, जीव जंतु यहाँ पर मिलते हैं इस कविता में। पहला मिलता है चूहे, वो चूहे क्या कर रहे हैं उस घर में, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, मानो जैसे
वो जो है यहां से वहां, वहां से यहां कूदते फिरते हैं ना, ये पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, कैसे हमें मालूम होता है। कैसे मच्छर टहल रहे हैं, पकड़म चूहा, मच्छर और मकड़ी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये सभी यहां पर इस घर में मिलते हैं और छिपकली हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा चींटों की कतारें हमें देखने को मिलता है और आंगन में पंछी क्या कर रहे हैं, आपस में झपट रहे हैं, वो भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इस घर में कॉकरोच भी है, वो दिन रात क्या यहीं तो रहता है, वो दिन रात हमारे घर में ही रहते हैं। ये सभी हम लोगों को, जीव जंतुओं को हम लोग आपस में हम लोग देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो माँ के साथ वो जो बच्चा चर्चा यहाँ पर कर रहा है, वो क्या कह रहा है, यह सिर्फ घर हमारा नहीं है, इस घर में रहने वाले ये सभी जीव जंतुओं का भी यह घर है, कहकर वो बच्चा अपने माँ को कैसे अपने माँ को कहता है। इसलिए हम इस कविता के द्वारा हमें कवि दिविक रमेश यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर अगर रहते हैं तो ये घर सुंदर सा बगीचा, फूलों कई तरह के फूल लगे होते हैं ना ऐसे बगीचे में, ऐसे ही हमारा घर में घर भी सज धज कर सुंदर सी लगती है कहकर कहता है। तो और एक बार देखिए आप सभी लोग इस कविता को ध्यान से। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मानो, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी आती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। और यह देखो कॉकरोच भी दिन रात क्या यहीं न रहते, क्यों रहते ये इस घर में जो इसे ना अपना घर समझते। इसलिए तो कहता हूं माँ, घर न समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। दिविक रमेश। तो इस पाठ के द्वारा कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि इस जो जिस घर में हम लोग रहते हैं वो सिर्फ हमारा ही घर नहीं है, इस घर में रहने वाले सभी जीव जंतुओं का भी घर यही है कहकर बोलता है। चलिए इस पद में आए हुए नए शब्दों के अर्थों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए पहला है शब्द अर्थ। सदा, सदा यानी हमेशा, सदा का अर्थ क्या है, हमेशा। सिर्फ, सिर्फ शब्द का अर्थ क्या है, केवल। सिर्फ का अर्थ क्या है, केवल। टहलना, धीरे धीरे चलना। टहलना का अर्थ क्या है, धीरे धीरे चलना। गश्त लगाना, चक्कर लगाना। गश्त लगाना, चक्कर लगाना। तो इसके अलावा मस्त, बेफिक्र। इसके अलावा क्या है, मस्त, मस्त, बेफिक्र, मस्त रहना, बेफिक्र रहना। बेफिक्र रहना। इसके कतारें, लाइनें। कतारें का अर्थ क्या है, लाइनें, लाइनें। कतारें का अर्थ क्या है,
लाइने झपटना, लेने या पकड़ने के लिए आगे बढ़ना, झपटना झपटना। झपटना झपटने का अर्थ क्या है? लेने या पकड़ने के लिए पकड़ने के लिए आगे बढ़ना, तो देखिए और एक बार देखिए बच्चों, सदा हमेशा सिर्फ केवल टहलना, धीरे धीरे चलना, कष्ट लगाना, चक्कर लगाना, मस्त बेफिक्र, कतारें लाइने, झपटना लेने या पकड़ने के लिए आगे बढ़ना। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने इस पाठ में पाठ का विवरण दे रखा है, घर प्यारा शब्दार्थ देखे हैं और इस पाठ का विवरण भी हम लोगों ने देखा है। आप लोगों को घर में क्या करना है, इस पद को 2-3 बार लाउड रीडिंग सर सस्वर वाचन करना है, लाउड रीडिंग रागबद्ध से इस पद को आप लोगों को क्या करना है, गाना गाना है, और ये शब्दों को आप लोगों को क्लासवर्क में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।